तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रभास की अपकमिंग फिल्म, जो कि कल उसका बर्थडे था, तो बर्थडे के मौके पर कई सारे फिल्मों का अनाउंसमेंट हुआ है और कई सारे फिल्मों का मोशन पोस्टर भी रिलीज हुआ है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और जिसके बाद हम बात करेंगे कि रॉकिंग स्टार यश, जिसके हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ है और उसमें पूछा गया कि क्या हमें KGF 3 देखने को मिलेगा, और अगर देखने को मिलेगा तो कब देखने को मिलेगा। और लास्ट में हम बात करेंगे अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा 2 के बारे में, जो कि आने में बस 30-35 दिन या 40 दिन के आसपास होगा। और इस फिल्म ने भाई रिलीज से पहले ही कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि इस फिल्म को आज तक के सबसे टॉप पे रखता है। तो आखिर कौन सा रिकॉर्ड बनाया है पुष्पा 2 ने, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। वेल, अगर अभी तक आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। भाई लोग, प्रभास के बर्थडे के मौके पे प्रभास के अपकमिंग फिल्म राजा साहब का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जो देखने में काफी ठीक ठाक भी है। और जब इसका मोशन पोस्टर रिलीज किया है तो इसमें तो बहुत ही अलग नजर आ रहा है। वेल, ये एक हॉरर फिल्म होने वाला है। वैसे भी आजकल हॉरर का जमाना चल रहा है, स्त्री को ले लो, भेड़िया को ले लो या फिर मुंजिया को ले लो, और स्त्री में तो बॉक्स ऑफिस में आग ही लगाती। मिला के हम सभी जानते हैं कि आजकल हॉरर का जमाना चल रहा है। ये फिल्म हमें 2025 में देखने को मिलेगा, तो इसके लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम है। अगला न्यूज ये है कि सलार 2 का शूटिंग चालू हो चुका है, तो हो सकता है कि राजा साहब के बाद हमें सलार 2 भी देखने को मिले। संदीप रेड्डी भांगा की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म स्प्रिट। इन तीनों फिल्मों से तुम किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट में बता। तो अब अगला आते हैं रॉकिंग स्टार यश की न्यूज में। तो भाई लोग, रॉकिंग स्टार यश की हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ है, जिसके अंदर रॉकिंग स्टार यश से पूछा गया कि क्या हमें KGF 3 देखने को मिलेगा, और उसके बाद यश ने कहा कि हाँ, KGF 3 आप सबको जरूर देखने को मिलेगा, और इसके बारे में हम प्रशांत नील से बातें करते रहते हैं, यानी कि हम प्रशांत नील दोनों ही बातें करते रहते हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि KGF 1 और 2 को किस लेवल में बनाया गया है, तो इसीलिए यश सर और प्रशांत नील ये भी चाहते हैं कि इस फिल्म को, यानी कि KGF 3 को आउट ऑफ द बॉक्स बनाया जाएगा। तो ये बात तो बहुत ही खुशी है कि हाँ, हमें KGF 3 भी देखने को मिलेगा। लेकिन KGF 3 आने से पहले हमें टॉक्सिक देखने को मिलेगा, जिसके बाद हमें रामायणा देखने को मिला, जिसके अंदर रावण के रोल में यश नजर आएंगे। उसके बाद अगर स्क्रिप्ट अगर पूरा हो गया रहेगा तो हमें KGF 3 देखने को मिल सकता है। तो भाई कुल मिला के 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। तो अगला न्यूज आता है पुष्पा 2। भाई पुष्पा 2 ने भाई रिलीज से पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब कोई कोई फिल्म ऐसे भी होती है जिसको अपना बजट रिकवर करने में भी पसीने छूट जाते हैं, वही पुष्पा 2 ने भाई रिलीज से पहले ही इतने पैसे कमा लिए कि अभी पूरे इंडिया में ये टॉप 1 पे है। मतलब इतना पैसा अभी तक रिलीज से पहले किसी ने भी नहीं कमाया। तो भाई सुनने में ये आ रहा है कि पुष्पा 2 के थिएटिकल राइट जो है वो 600 करोड़ के आसपास में बिकी है, जिसके बाद इसके OTT राइट्स और म्यूजिक राइट्स को लगभग 460 करोड़ में बेचा गया है, जिसको अगर जोड़ा जाए तो 1060 करोड़ तो होगा। तो हाँ, रिलीज से पहले इतने पैसे कमाने वाले इंडिया की ये पहली फिल्म है। तो जरा सोचो भाई, रिलीज से पहले इतने पैसे कमाया है तो रिलीज के बाद कितने पैसे कमाएगा। वैसे भी पुष्पा 2 का हाइप इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हम सभी इसका इंतजार कर रहे हैं। वेल, ये फिल्म पहले दिसंबर 6 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये दिसंबर 5 को रिलीज होगी। बाकी तुम इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना।